हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ जी। हाँ, मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और अभी अभी चल रहा है प्यार भरा दिन, तो मेरे पास कुछ आया है ये ब्यूटीफुल रोजेस। रोजेस किसे पसंद नहीं होते हैं, तो मुझे भी मिले हैं। आपको पता ही होगा कौन देगा मुझे, तो ये रोजेस मिले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इससे पहले कि मुरझा जाए, हम लोग इसे चलिए डालते हैं पानी में। और बस ऐसे तो कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने का, लेकिन सडनली अभी हुआ कि चलो थोड़ा ऐसे ही घूम के आते हैं बाहर की तरफ। और ये मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है इस गिलास में पानी डाल के। इतना खूबसूरत लग रहा है, आप एक बार देख लो। मुझे रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहीं जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं, हम लोग भाई महादेव के भक्त हैं, हम लोग डायरेक्ट महाशिवरात्रि मनाएंगे। ताला कहाँ है? जाओ खोल के ला। तो मैंने बालों में तेल लगाया हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा चिपकू टाइप्स लग रहा है। बट क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं मनाते हैं, बट सडनली हुआ कि चलो कुछ बाहर बहुत दिन से नहीं गए हैं, तो चलो इसी बहाने घूम के भी आते हैं। और बाकी चॉकलेट्स भी थे, तो मेरा चॉकलेट मेरा बेटा खा चुका है, थोड़ा बहुत मैंने खाया, बाकी ये खा चुका चॉकलेट। और स्वीट्स था तो वो रखा हुआ है। चलो जाओ पहनो स्लीपर्स। और बस ऐसा ही कुछ था और क्या। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाने का, बट बन गया तो मैंने सोचा कि चलो। मैंने वैसे बाय द वे ये ड्रेस बहुत दिन बाद पहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, बट अभी बहुत दिनों से मैं नहीं पहन रही थी। बहुत दिनों से मैंने नहीं पहना था। इधर तो बहुत अंधेरा है, मैं अपना थोड़ा सैंडल निकाल लूँ यहाँ से। तो बस मैंने चिपकू बालों में ही जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत मैंने ऐसे इसको सेट कर लिया है। और ये देखो मैं कंघी लेके पता नहीं कहाँ घूम रही हूँ। और बस हम लोग अब निकल रहे हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि सडनली प्लान बना है तो निकलते हैं। उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ आई नो, क्योंकि बाल जब तक वॉश ना हो तब तक आदमी सुंदर नहीं दिखता है। बट ठीक है, ऐसे ही थोड़ा घूमने जा रहे हैं। कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा है कि हाँ चलो स्पेशल होगा तो देखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही घूमने। तो मैंने सोचा कि चलो रैंडमली एक ब्लॉग शूट करते हैं और क्या। तो बस निकलते हैं और बने रहिए आप भी हम लोगों के साथ। ये पूरा जो शादी का पंडाल वंडाल लगा था वो अब खुल रहा है, और मैं बेटा को ऊपर ढूंढ रही हूँ और वो नीचे पहुँच गया। गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है तो मुझे पता चला कि वो नीचे है, तो वो मेरा वेट नीचे कर रहा है ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जो भी होगा बस ऐसे ही बाहर घूमने चलते हैं। और एक्चुअली बेटा का बर्थडे आ रहा है 17 फेब को, उसका बर्थडे है, तो हम लोग आए हैं V2 में। देखिए उसके लिए कोई ड्रेस पसंद आता है तो लेने के लिए, मुझे तो मेरा ही ड्रेस दिखता रहता है। आया है इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। नहीं भाई मुझे नहीं लेना है, आप देखें मुझे नहीं लेना है, बेटा के लिए ही लेना है। तो चलते हैं उसके सेक्टर में, क्या है पसंद आता है तो लेते हैं। सोच रही हूँ जीन्स लेने का, उसके पास जीन्स का कलेक्शन नहीं है, देखती हूँ क्या पसंद आता है। ये शर्ट अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी है। अब कलेक्शन देख लो, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन लाया है, लेकिन बच्चों को नहीं। बेटा यहीं पे तुम्हारे लिए मिल जाएगा, इधर एथनिक कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत है यार। क्या जीन्स कहाँ तुमको दिखा? वो जीन्स थोड़ी है। नहीं यार जीन्स ढूंढ रही हूँ। हाँ ये तो शादी होती में पहनने के लिए ठीक है, वैसा वाला नहीं है। इधर में होगा आई थी, देखते हैं गया हम लोगों को जीन्स का कलेक्शन, देखते हैं। ब्लैक भी ठीक लग रहा है।
लेने के बाद दिखाती हूँ। एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिला है मुझे, वो है हमारा फोटो फ्रेम जो हम लोगों ने किसी पहले शादी में खिंचवाया था, तो उन्होंने उसे बड़ा सा फ्रेम लाइट वाला फ्रेम बनवाया है। वो मुझे पता नहीं था, अभी मैं आई तो उसे रिसीव करने आया और मैंने देखा, वो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो हम लोगों ने उसे पैक करवा लिया है। और ये था मेरे लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको ऑब्वियसली दिखा नहीं सकती वो, क्योंकि हम दोनों का फ़ोटो है उसमें, तो जैसा कि मैंने अभी तक दिखाया नहीं है उनको, तो मैं फोटो भी नहीं दिखा सकती। बट हाँ, बहुत ही क्यूटी, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ चलते हैं। ये है वो फ्रेम जो मैंने बताया आपको फोटो, और ये इसका खिलौना और कपड़ा जो कि भेटू से लिया है हम लोगों ने। क्या कर रहे हो वैसे, नहीं करो, अच्छा ठीक है, उसको उठा दो। बस अभी आई थिंक मुझे जाना है घर, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रैंडमली, मैंने कुछ पहना नहीं, ऐसे ही आ गई हूँ, पतला सा ऐसे ही ऊपर का जो टॉप मैंने घर पे पहना था वही पहन के, नहीं करो। और गाड़ी पे चलने के बाद लग रही है मुझे ठंडी। अभी हम लोग हैं कहाँ पे, अभी हम लोग डाक बंगला चौराहा पे हैं, कुछ काम था शायद इनको, पन्ना साइड में गए हुए हैं, शायद किसी से मिलना था तो वहाँ गए हुए हैं। तो मुझे लग रही है अभी जोरों की ठंड, अगर ज़्यादा लेट होगा तो और ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, तो मैं तो बोलने वाली हूँ कि रहने दीजिए, फिर किसी दिन आएंगे तो घूमेंगे। अभी मुझे लग रही है ठंड, तो अभी घर ही चलते हैं, मतलब मुझे घर पर आई थिंक छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाइए। तो देखती हूँ पहले वो आए तो, फिर से मिलने गए हैं तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं इस बदमाश के साथ। चलते हैं अभी, देखते हैं आते हैं तो क्या होता है। कुछ का अच्छा नहीं था, बट सैंडविच A1 था। मैंने आपको दुकान का भी एक छोटा सा क्लिप डाल दिया है, तो अगर आप कहाँ लगा हुआ है, ये वही डाक बंगला चौराहा के आगे वो जो स्टेशन की तरफ मुड़ते हैं, उधर जो नया ठेला लगा हुआ है सब उधर इधर ही मिल रहा है। तो बहुत अच्छा बनाया था सैंडविच, मज़ा आ गया खा के, और कुछ ने सारा मूड ख़राब कर दिया। चलिए चलते हैं। आ गई हूँ मैं वापस घर, बाल का हालत ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हबी बना रहे हैं खाना। जी हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि कोई प्लानिंग नहीं थी बाहर जाने की,
और सडनली हुआ कि चलो बाहर चलते हैं। ऐसे तो हम लोग कुछ ऐसा मनाते नहीं है वैलेंटाइन डे, बट हम लोग ने सोचा कि ठीक है चलते हैं, जब बोल रहे हैं तो बाहर निकले हम लोग। आपने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या किया। फिर उन्होंने सडनली बोला कि जब बाहर निकले हैं तो चलो रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं डिनर वगैरह। तो मैंने बोला कि नहीं, अगर आप कुछ स्पेशल करना ही चाहते हो तो आप कुछ अपने हाथों से बनाओ और उसके बाद खिलाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बस वो गए लेके आए और बना रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे कुक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कभी कभी कुछ स्पेशल चीज़ें बना देता है, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। और चूँकि मेरे हबी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो हर तरह का खाना बनाना जानते हैं, जी हाँ उन्होंने इसी पढ़ाई की थी, तो उन्हें खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं हर तरह के खाने, तो कभी कभी वो पैम्पर करते हैं मुझे अपने हाथों से खाना खिला के। तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट में तो हम लोग कभी भी खाते हैं, कभी भी खा सकते हैं, बट अगर कुछ स्पेशल करना ही है तो आप अपने हाथों से बनाइए, हम उसे खाएँगे। तो बस वो लग गए अपनी ड्यूटी में। अगर आपके भी लाइफ पार्टनर ऐसा कुछ करते हैं तो ये सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। तो हम अभी वेट करेंगे। और हमारा जो मतलब जो मुझे गिफ्ट मिला आज के दिन, वो जो फोटो फ्रेम वो लाइट जलता है वो वाला गिफ्ट मिला है, तो हम उसमें अपनी बैटरी सेट करेंगे पहले, उसके बाद उसको जलाएंगे और उसे सेट करेंगे, घर में कहीं देखेंगे। और तब तक खाना भी बन रहा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में खाना खाते वक्त। और ये खाना रेडी हो चुका है और हम लोग खाने बैठ चुके हैं। सामने टीवी चल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। और खाना की जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, क्योंकि मेरे हबी बना रहे हैं और वो खाना हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो कुछ ऐसा भी था आज का शाम जो अनएक्सपेक्टेड था। तो आप भी ऐसे छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए। बहुत बड़ी खुशियों की एक्सपेक्टेशन करेंगे ना तो खुश नहीं मिलने वाली है, इसलिए इस छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना बहुत आसान होता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।